बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म मशीन 17 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मुस्तान हैं और लीड रोल में मुस्तफा और कियारा आडवाणी हैं। इस फिल्म से अब्बास के बेटे बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं और फिल्म के प्रमोशन में मुस्तफा और कियारा बेहद बिजी हैं। दोनों पहुंच गए सीरियल सीआईडी के सेट पर, जहां उनसे हुई बातचीत में पता चला कि दोनों इस सीरियल के बहुत बड़े फैन हैं। सीआईडी जो सीरियल इतने साल से चलते आ रहा है और दिस इज द 20 साल एंड दिस इज द 20th एंड आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम हियर। हम लोग इतने टाइम से टीवी पर देखते आ रहे हैं, हम बोल सकते हैं हम लोग हिस्सा है सीआईडी के। तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर रियली हैप्पी। देखना दया को लाइव, देखना एसीबी प्रद्युमन को लाइव, देख रहा ऐसे लग रहा है कि वो तो कभी मतलब दे नॉट एज द डे, वैसे कि वैसे ही लग रहे हैं 20 साल के बाद भी। बस हम आ गए सडनली फॉर दिस वंडरफुल प्रमोशन अपॉर्चुनिटी दैट वी गॉट। लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस ऑन संडे व्हिच इज गोना कम ऑन संडे 19 तारीख को आएगा मेरे ख्याल से एंड वी आर रियली एक्साइटेड। फिल्म मशीन के बारे में दोनों से हुई बातचीत में फिल्म से जुड़ी ढेर सारी बातें डिस्कस हुई, साथ ही दोनों फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं ये भी पता चला। बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ कि मुझे इतना प्यार मिला है एमएस धोनी के बाद, सारे फैन से, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं सभी से, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स फिंगर्स क्रॉस है कि वो जितना प्यार उन्होंने मुझे उस फिल्म के लिए दिया है उतना प्यार भी वो इस फिल्म के लिए देंगे। अब्बास मस्तान सर जो है वो मेरी विशलिस्ट में सबसे ऊपर थे जब मैंने एक विशलिस्ट बनाया था कि मैं इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहूँगी आगे जाकर। सॉरी मेरी गला लेकिन हाँ, तो जब उनका कॉल आया कि वो मुझे इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, उस कॉल से ही मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे फिल्म करनी है। तब तक मैंने स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैं जानती थी कि अब्बास मस्तान सर की फिल्म हो तो जो एंटरटेनमेंट वो लोग लाते हैं वो ऐसा नहीं, वो ऐसे मसाले वाला एंटरटेनमेंट ही नहीं है कि ये डाल दिया वो डाल दिया, लेकिन स्टोरी में बहुत ट्विस्ट्स है, बहुत ड्रामेटिक होता है, बहुत थ्रिल्स होती है। और उनकी जो फीमेल कैरेक्टर्स है वो हमेशा अपने मेल प्रोटैगनिस्ट के टक्कर में रहती है। तो जब स्क्रिप्ट पढ़ा बहुत अच्छा लगा और उनके साथ काम करके मैं यही कहूँगी कि काश ये मौका दोबारा मेरे पास आए कि मैं वापस उनके साथ काम करूँ आगे जाके, एक बार नहीं और बहुत बहुत हर बार। हर फिल्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं और उनकी हर फिल्म अलग टाइप की होती है, भले वो सस्पेंस मिस्टीरियस होते हैं और भले ही सस्पेंस फिल्म हो लेकिन एक जो बैकड्रॉप होता है फिल्म का, जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे बाजीगर जो थी वो एक रिवेंज थ्रिलर थी, खिलाड़ी थी, दो दोस्तों की कहानी थी, अभी मशीन है जो एक रोमांटिक थ्रिलर है जो कि एक आपको एक बहुत ही नयापन देखने मिलेगा इसके अंदर, और प्लस उसके साथ एक आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा जो कि मशीन, मैं बता दूं कि मशीन सिर्फ एक दिल की कहानी है, ना कि कोई गाड़ियों की या फिर कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होता है कोई इसके अंदर, तो एक दिल की कहानी है। बहुत अच्छा चल रहा है, जो अभी हम लोग ने लेटेस्ट गाना जो किया है तू चीज़ बड़ी मस्त मस्त, जो बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों ने बहुत पसंद किया है, अराउंड 6-7 मिलियन लाइक्स, 8 मिलियन लाइक्स आ गए उसके ऊपर और व्यूज़ आ गए, हिट्स आ गए उसके ऊपर, तो हम लोग बहुत खुश है एंड वी आर रियली थैंकफुल टू अक्षय सर जो कि उन्होंने हमारा गाना लॉन्च किया था और इतना सारा प्यार दिया, हमें इतना सपोर्ट किया। सो आई थिंक थैंक्स फॉर लविंग द सॉन्ग सो मच एंड मेकिंग इट देयर सॉन्ग। सो या वी आर होपिंग दैट व्हेनेवर वी मीट यू नेक्स्ट टाइम एनीवेयर लाइक वी आर हियरिंग द सॉन्ग पार्ट एंड यू गाइस पार्टिंग टू इट।